अभी हम सेमीकंडक्टर के डोपिंग के बारे में पढ़ेंगे। पिछले क्लास में आपको याद होगा कि हमने सेमीकंडक्टर के बारे में चर्चा किया था और कहा था कि सेमीकंडक्टर वैसे क्रिस्टल्स सेमीकंडक्टर की श्रेणी में आएंगे जिसका वैलेंस बैंड पूर्ण रूप से भरा हुआ हो और कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड से बहुत दूर नहीं हो, यानी कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच एनर्जी गैप लगभग 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होना चाहिए। इस कंडीशन में वैलेंस बैंड के ऊपरी लेवल में स्थित इलेक्ट्रॉन्स क्रिस्टल से रूम टेम्परेचर पर ही एनर्जी लेकर वह जंप कर कंडक्शन बैंड में चला जाता है। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन के द्वारा खाली किया गया जगह, जिसे हम होल्स कहते हैं, उस खाली जगह को भरने के लिए यानी उस एनर्जी लेवल को फिल करने के लिए उससे लोअर एनर्जी लेवल वाला वैलेंस बैंड में उपस्थित इलेक्ट्रॉन उस जगह को एक्वायर करता है। तो जब इलेक्ट्रॉन उस जगह पर पहुंचा तो फिर वो इलेक्ट्रॉन अपना जगह नीचे वाला जगह खाली कर लिया। इस प्रकार ऐसे क्रिस्टल में कंडक्टिविटी इस फ्री इलेक्ट्रॉन्स और इस होल्स दोनों के वजह से होता है और इसकी कंडक्टिविटी गुड कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से ज़्यादा होती है, इसीलिए इसका नाम सेमीकंडक्टर दिया गया है। हमने ये भी देखा था कि सेमीकंडक्टर में जितने होल की संख्या होगी उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। हमने ये भी बात कहा था कि होल्स को पॉजिटिव चार्ज का कैरेक्टर दिया गया है क्योंकि यह इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट के विपरीत दिशा में चलता है और इस प्रॉपर्टी को हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कहते हैं। आज हमने एक दो बात और बताया था कि सिलिकन और जर्मेनियम दो फेमस सेमीकंडक्टर हैं जिसके इलेक्ट्रॉन वोल्ट कई बार पूछा भी है, जिसमें सिलिकन के बारे में मैंने कहा था कि 1.12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है और जर्मेनियम का 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। आज हम आगे बढ़ेंगे और डोप्ड सेमीकंडक्टर के बारे में जानेंगे कि किसी भी सेमीकंडक्टर के कंडक्टिविटी को प्रचुर मात्रा में सब्सटेंशियली इंक्रीज कर सकते हैं हम पेंटावैलेंट या ट्राईवैलेंट एटम को डोप्ड करके। तो पहले हम इतना बात करते हैं, फिर हम आगे बात करते हैं। डोप्ड सेमीकंडक्टर, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर कैन बी इंक्रीज्ड सब्सटेंशियली, मतलब प्रचुर मात्रा में सब्सटेंशियली, बाय डोपिंग पेंटा वैलेंट एटम लाइक फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी ईटीसी और ट्राई वैलेंट एटम लाइक इंडियम, गैलेनियम ईटीसी। ध्यान दीजिएगा, पेंटावैलेंट मतलब ऐसे एटम्स की बात हो रही है जिसकी वैलेंसी 5 हो, या ट्राईवैलेंट में ऐसे एटम की बात हो रही है जिसकी वैलेंसी 3 हो। तो इस दोनों को हम डोप्ड करके, डोप्ड मतलब होता है मिलावट करना। जैसे मान लीजिए कि एक बोरी चावल है, चावल की मात्रा ज़्यादा है, एक बोरी है, उसमें हम एक एक मुट्ठी हमने गेहूँ डाल दिया, तो गेहूँ की मात्रा बहुत कम है चावल की मात्रा की तुलना में, तो हम बोलेंगे कि यहाँ पर गेहूँ डोप्ड कर दिया गया है, मिलावट कर दिया गया है। जिसकी मात्रा कम हो, अब गेहूँ ही एक बोरा है और उसमें अगर एक मुट्ठी चावल डालते हैं तो यहाँ चावल मिलावट के रूप में है। तो जो मेन सेमीकंडक्टर है वो तो है ही, लेकिन उसमें हम जो जिसकी मात्रा हम अल्प मात्रा में डाल रहे हैं वो हमारा डोप्ड हुआ, मिलावट हुआ। तो यहाँ पर डोप्ड में या तो फास्फोरस है, या आर्सेनिक है, या एंटीमनी है, या फिर ट्राईवैलेंट एटम जिसकी वैलेंसी 3 हो, ऐसे में इंडियम है, गैलेनियम है, ऐसे और भी कई हो सकते हैं, लेकिन ये सब फेमस है, मैंने इन्हीं का चर्चा किया है, तो बढ़ा सकते हैं। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप पेंटावैलेंट इंप्योरिटी डाल देते हैं जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, तो उसकी वैलेंसी कितनी है? 5।
और किसी भी सेमीकंडक्टर में जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम, इसमें इसकी वैलेंसी कितनी होती है? चार। कितनी होती है? चार। किसी भी सेमीकंडक्टर की वैलेंसी चार होती है, ध्यान रखिएगा। बीच के स्टेज में वो ऑक्टेट पूरा नहीं किया हुआ है तो उसकी वैलेंसी चार है। अब हमने जो पेंटावेलेंट डोपिंग किया तो पांच वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से चार इलेक्ट्रॉन का इस्तेमाल उसने वैलेंस बैंड में कर लिया, अपना ऑक्टेट पूरा कर लिया, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन तो बच गया, वो कहाँ जाएगा? वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड के नीचे स्थित हो जाता है, यानी उसकी इतनी एनर्जी होती है कि वो कंडक्शन बैंड में तो नहीं जा पाया, लेकिन कंडक्शन बैंड के ठीक नीचे वहाँ पर स्थित हो जाता है। ऐसे वो अकेले नहीं, क्योंकि जितना एटम हम डोप करेंगे हर एटम एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन देगा, और इस तरह से वो जो जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हुआ वो सब उसके ठीक नीचे नीचे सेट होते जाता है, वो एक नया एनर्जी लेवल बना लेता है जिसे हम कहते हैं डोनर एनर्जी लेवल या डोनर लेवल। अब इसको जब सुटेबल कंडीशन मिलता है, थोड़ी भी एनर्जी मिला, हो सकता है वो रूम टेम्परेचर पर ही हो या थोड़ा सा भी गर्म हुआ, जब पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन वो इजीली माइग्रेट करके कुदक करके वो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में चला जाता है, चूँकि वो उसका एनर्जी थोड़ा ही कम है उसके नीचे में है। और अब वो इलेक्ट्रॉन उसमें कंडक्शन बैंड में, देखिए ध्यान दीजिए, प्योर था तो जितना होल था उतना इलेक्ट्रॉन था, कंडक्शन बैंड में जितना इलेक्ट्रॉन है उतना यहाँ होल बना हुआ है, ये प्योर की बात कर रहे हैं। लेकिन जब आप उसको पेंटावेलेंट डोपिंग किए हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन जो एक्स्ट्रा उसके नीचे में आ गया है, किसके नीचे में? कंडक्शन बैंड के नीचे में, वो भी तो जम कर कंडक्शन बैंड में गया, तो किसकी संख्या बढ़ गई? इलेक्ट्रॉन की। तो ऐसे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी मुख्य रूप से इलेक्ट्रॉन की प्रचुरता के वजह से होती है, होल्स भी है लेकिन प्रचुरता किसकी है, अधिकता किसकी है? और इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, तो इस तरह के सेमीकंडक्टर हम नेगेटिव टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। बात समझ में आया? एन टाइप क्यों कहते हैं? डोपिंग किया पेंटावेलेंट, अब बन गया एन टाइप, क्यों बन गया समझ में आया? इसे हम अभी दिखाते हैं फिगर से पहले, फिर आगे बात करेंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर, इसमें क्या होगा ध्यान दीजिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होगा ध्यान दीजिए, ये हमारा कंडक्शन बैंड है, ये जो आप लोग पढ़ रहे हैं अभी जो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टल्स हम दिखा रहे हैं, इसमें कुछ कुछ बातें केमिस्ट्री की टीचर भी होशियार बनने के लिए, काबिल बनने के लिए बच्चों को दिखाता कहता देखो ऐसा पढ़ा दिया, लेकिन आप देखिए तो दोनों के सोचने के तरीका में बहुत अंतर दिख रहा होगा आपको। yes, तो वो काबिल बनने के लिए दिखा देता है ऐसे, ताकि बच्चा लोग कहे कि महाराज जिगर है। यह हमारा वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड। मैंने इस बैच में यानी इस क्लास में लगातार कुछ इस प्रकार से भी ईवी और ईवी डैश ऐसा कुछ लिखा है, ऐसा नहीं मत समझेगा हर क्लास में मैं ऐसे ही लिखता हूँ, लेकिन इसमें मैंने ऐसा लिखा है तो एक पैटर्न को मैं फॉलो करना चाहता हूँ, कंडक्शन बैंड एसी डैश। जनरली मैं ईवी डैश ईवी डबल डैश ऐसे करके लिखता हूँ, पर इसमें मैंने ऐसे लिखा है तो मैं ऐसे ही बात करूँगा, ठीक है। तो देखिए बॉन्ड मैंने कहा कि पहले अगर ये प्योर होता तो इसमें का जो जितना कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन्स इसमें से जंप करके वो तो ऑलरेडी जा चुका है कहाँ? कंडक्शन बैंड में, वो पहले से जा चुका है। देखिए ये इलेक्ट्रॉन सब जंप करके आया हुआ है, एक दो तीन चार पाँच हमने दिखाया, तो पाँच मान लीजिए पहले से आया हुआ है, चार पाँच ये सब पहले से, देखिए ये होल्स बने हुए हैं, होल्स है, खाली जगह होल्स है, अच्छी तरह से समझ लीजिए, एक बार समझ लोगे कभी नहीं भूलोगे, क्योंकि मेमोरी लॉस आदमी हम हैं और हमें याद है, हमें याद नहीं रहता है तब हमको याद है, तो आपको तो और अच्छे से याद रहेगा। तो इस तरह से देखिए ये सब तो प्योर में की बातें हो रही है, ऐसा प्योर होता तो ऐसा होता, लेकिन हम क्या कर रहे हैं जिसमें हम पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डोप्ड कर रहे हैं, तो चार इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में इस्तेमाल होगा, पेंटावेलेंट की वैलेंसी पाँच,
यूज कर लिया चार, इसमें एक बच गया। अब उसके पास इतनी ऊर्जा है, इतनी ऊर्जा है कि वो इससे बाहर रहेगा, लेकिन इतनी भी ऊर्जा नहीं है कि वो इसमें पहुंच जाए, तो वो ठीक इसके नीचे यहाँ पर एक एनर्जी लेवल सेट करेगा। ध्यान रखिएगा, मैं इसको इसलिए मिटा रहा हूँ कि मुझे यहाँ कुछ लिखना भी है, इसलिए तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। बात समझ रहे हैं? तो यहाँ पर एक एनर्जी लेवल बना लेगा जो इसके ठीक नीचे है, कंडक्शन के नीचे। और वो इलेक्ट्रॉन सब, मैं जानबूझ के एक दूसरे कलर ब्लू कलर का इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पर वो इलेक्ट्रॉन सब आ जाएगा। अब जितना एटम आपने डोप किया उतना इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ, वो सब यहाँ पहुँच गया है। अब बहुत होगा, अब एक मोल अगर कर दीजिए तो कितना हो जाएगा एटम्स, देख रहे हैं? यानी छोटी मात्रा भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दे देगा, आप अंदाज कर रहे हैं? तो यहाँ पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। अब देखिए, अब ऐसी स्थिति में यानी एन टाइप यानी पेंटावेलेंट डोपिंग करने के बाद जो इलेक्ट्रॉन वास्तव में यहाँ से यहाँ आना चाहिए वो भी अलसिया जाएगा, बोलेगा ही रहेंगे आप। यानी कुछ इलेक्ट्रॉन जिसको इसमें जाना चाहिए था वो भी उसमें नहीं जा करके कुछ इसमें भी एकत्र रह जाएगा। देखिए क्या हो रहा है खेला, कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन अलसिया करके इसमें ही रह गया, ठीक है? लेकिन मैं यहाँ पर उसको देख मतलब मुँह से समझा रहा हूँ, मैं लिख करके इसको कचरा नहीं करना चाह रहा हूँ। ऐसा हुआ, अब इसको जब सूटेबल कंडीशन मिला, इस लेवल को बोलते हैं डोनर लेवल, डोनर लेवल मतलब डोनेट करने वाला, डोनर नाम है डोनेट करने वाला से। एक बच्चा ने ऐसे डी ओ एन ए आर लिख लिया, डोनर लेवल, ठीक है? तो अब ये जो है, अब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप करके इसमें आ जाएगा, जंप करके इसमें आ गया, ये जंप करके इसमें आ जाएगा। अब कितना मैं दिखाऊँ, ऐसे कचरा हो जाएगा, समझिए कि सब जंप करके आ रहा है। ये जंप करके ऐसे आ गया, ये जंप करके ऐसे आ गया, ये जंप करके ऐसे आ गया। अब देखिए इसमें होल्स की संख्या कितनी है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है। अब गौर से बारीकी से देखिए, किसकी संख्या ज़्यादा हो गई, इसमें हो गया ना कंडक्शन में। अब इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा, आई से होल्स को भरने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, तो होल खाली जगह यहाँ जाएगा। तो इसमें कंडक्टिविटी तो दोनों की वजह से है, लेकिन भारी मात्रा है इलेक्ट्रॉन्स की, इसलिए इस तरह के सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टाइप या एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। हम आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब हम इस बात को लिखते हैं, मेरे पास जगह इधर थोड़ा कम हो गया है, यहाँ से दिखाई दे रहा है ना, यहाँ उंगली, कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमी, ये मैंने तो पहले लिख दिया, ये बात चर्चा कर दिया, मैं इसे लिखता हूँ व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी इज डोप्ड, एक मिनट इसको साफ कर लेता हूँ। व्हेन पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी लाइक फॉस्फोरस, पी आर्सेनिक, एंटीमनी, ईटीसी आर डोप्ड, देन इट्स फोर देन इट सप्लाइज फाइव इलेक्ट्रॉन्स, देन ईच एटम्स ईच डोप्ड एटम सप्लाई फाइव वैलेंस इलेक्ट्रॉन, फोर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर यूज्ड इन वैलेंस बैंड, चार इलेक्ट्रॉन कहाँ इस्तेमाल होता है, वैलेंस बैंड में, एंड फिफ्थ इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट्स
अ न्यू एनर्जी लेवल जस्ट बिलो द कंडक्शन बैंड कॉल्ड डोनर लेवल। समझ रहे हैं? तो एक एनर्जी लेवल सेटअप करता है जिसे हम डोनर लेवल कहते हैं। अब ये भी बातें चर्चा कर लेते हैं कि हर एक इम्प्योरिटी एटम्स यानी डोप्ड एटम्स, हर एक इम्प्योरिटी एटम्स एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है। ईच पेंटावेलेंट एटम भी लिख देते, वही बात हो गया। ईच डोप्ड एटम लिखें या पेंटावेलेंट एटम, पेंटावेलेंट एटम सप्लाई वन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स। देख रहे हैं? उसके बाद आगे हम ये कहना चाह रहे हैं कि डोनर लेवल जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो सुटेबल कंडीशन या थर्मल एनर्जी प्राप्त करके वो इजीली मैग्नेट करके कंडक्शन होने चलाता है। इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन डोनर लेवल कैन इजीली माइग्रेट टू कंडक्शन बैंड बाय अब्सॉर्बिंग थर्मल एनर्जी एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर आसानी से जंप करके वो कहाँ चला जाता है? थर्मल कंडक्शन बैंड में। सच क्रिस्टल्स हैव कंडक्टिविटी मोस्टली ड्यू टू द मेजर, कह सकते हैं आपकी मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सच क्रिस्टल्स हैव कंडक्टिविटी मोस्टली ड्यू टू द मैंने अभी क्या कहा था, मेजोरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड देयरफॉर सच क्रिस्टल्स आर कॉल्ड सच सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड अच्छा रहेगा सच सेमीकंडक्टर्स आर कॉल्ड नेगेटिव टाइप अथवा इसी का नेगेटिव मतलब हो गया और एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब ध्यान दीजिए, इसमें ध्यान रखना है कि होल्स की संख्या ओरिजिनल की तुलना में कह सकते हैं कि आप थोड़ा कम हो जाता है। इसमें प्योर में जैसे दोनों होल्स इलेक्ट्रॉन बराबर होता है ना, तो अब क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन जो यहाँ भी पहुँचना था शुरू में जब डोपिंग नहीं था, तो वो भी जब हम डोप कर रहे थे तो वो जो इसको इसमें जाना चाहिए था वो भी यहाँ पर अटक गया। तो इसमें एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जब तक जंप नहीं किया हो डोनर लेवल से कंडक्शन बैंड में, तो उस समय में इलेक्ट्रॉन की संख्या कंडक्शन बैंड में होल्स की संख्या से कम हो जाता है उस समय। हमेशा की बात नहीं कर रहा हूँ, समझ रहे क्या कर रहा हूँ। और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होगा, इस बात का ध्यान रखिएगा कि इन एन टाइप सेमीकंडक्टर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
बहुत बहुत बड़ा होता है नंबर ऑफ होल्स। तो एन टाइप के बारे में इतनी जानकारी, फिर हम पी टाइप के बारे में बात करेंगे। इतना नोट करिए पहले। अब हम लोग पी टाइप या पॉजिटिव टेस्ट में कंडक्टर के बारे में जानेंगे। पहले हेडिंग बना लेता हूं, पी टाइप सेमी कंडक्टर। पी टाइप सेमी कंडक्टर या पॉजिटिव टेस्ट में कंडक्टर क्या है वो ध्यान से सुनिए। किसी भी सेमीकंडक्टर में जब आप ट्राईवैलेंट एटम यानी ऐसे एटम जिसके वैलेंसी तीन हैं उसे जब आप डोप्ड कर देते हैं तो क्या होगा, जरा गौर करिए। हर एक डोप्ड एटम यानी ट्राईवैलेंट एटम तीन इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है वैलेंस बैंड को, जबकि जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसके उसमें कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, चार है। और तुमने डोप्ट किया कितना, तो क्या ऑक्टेट पूरा हुआ, साथ ही ना हुआ। तो क्या होगा, ये जो डोप्ट का जो तीन इलेक्ट्रॉन है वो प्योर सेमीकंडक्टर के तीन इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्डिंग कर लेता है, लेकिन एगो प्योर सेमीकंडक्टर का तो अनबाउंड रह जाता है। वो अनबाउंड इलेक्ट्रॉन क्या करता है, तो वैलेंस बैंड के ठीक ऊपर में, उसमें क्या था कंडक्शन बैंड के नीचे, यहां पर बैलेंस बैंड के ठीक ऊपर बैलेंस बैंड के पास एक एनर्जी लेवल सेटअप कर लेता है जिसे एक्सेप्टर लेवल कहते हैं, एक्सेप्टर लेवल कहते हैं। वो छोटका कहानी से याद रहेगा बेसी। मान लो कि एगो टोला है, एक टोला है एक क्षेत्र में, क्षेत्र को फिलहाल मैं गांव कह देता हूं लेकिन गांव कहना हमारे सभ्यता संस्कृति में उचित नहीं होगा। एक टोला है जहां पर खाली पुरुष की आबादी है, ठीक है, जैसे मान लो प्योर सेमीकंडक्टर में वैलेंस बैंड की बात कर रहा हूं, और एक टोला ऐसा बनाया गया, कल्पना करो रियलिटी ऐसा नहीं है, जो सिर्फ महिलाओं का टोला है, ठीक है। अब तीन महिलाएं अगर जाती है उस पुरुष वाले टोले में तो तीन पुरुष उसका कॉम्बिनेशन बन जाता है, लेकिन एक पुरुष तो अनपेयर रह गया, वो क्या करेगा, तो उसी गांव के आसपास चक्कर मर रहा आएगा। तो गांव के आसपास कहाँ जाएगा भाग करके, वो अपने गांव को छोड़ के कहाँ चला जाएगा, वो तो वो वही वहाँ पर वो एक्सेप्टर लेवल बना लेता है। गांव के बाहर में वो झोपड़ी बना कर रहा है, ये जो बैचलर है ना ये नहीं रहेगा गाँव में, गाँव में सब पेयर रहेगा, बैचलर नहीं रहेगा। आजकल देखो ना रूम खोजने जाते हो तो बोलता है कि बैचलर को रूम नहीं देंगे, ठीक है, तो वो बैचलर है तो बैचलर को गाँव में रहने नहीं देगा। हम क्या कह रहे हैं समझ रहे हो ना, तो तुम बाहो गाँव से बाहो, तो बेचारा बैचलर सब जो इलेक्ट्रॉन होता है अकेला अनपेयर, वो गांव के बाहर में अपना झोपड़ी बना के तंबू बना कर हम यहीं रहेंगे, कहाँ जाएंगे गाँव छोड़ करके हम, ठीक है। तो वहाँ तंबू बना लिया, अब जो तंबू बना लिया, अब गांव में मान लो किसी पेयर में झगड़ा खटपट हुआ, लड़ाई झगड़ा होगा, तो क्या होगा, वो पुरुष बोलेगा हम जा रहे घर छोड़ के, हम नहीं रहेंगे घर में, वो घर छोड़ के भाग के आएगा, कहाँ आएगा, वो जो तंबू वाला दोस्त है कहाँ जाए ना, ये ना यानी उस एक्सेप्टर लेवल, इसलिए नाम है को एक्सेप्ट कर लिया, जो दूसरा जिसको झगड़ा होकर के आया उसको भी कहा रहा हो ये रहो कहा जाएगा, समझ रहे हैं। तो एक्सेप्टर लेवल में क्या होता है कि जिस इलेक्ट्रॉन को खटपट्टी हुआ वहाँ पर आकर पहुँच जाता है, अपना अड्डा जमा लिया, समझ गए। तो ऐसा होता है स्थिति। अब गौर करिए ऐसी स्थिति है तो जब भी खटपट्टी हुआ मतलब कुछ ऐसा कंडीशन मिला, थर्मल एनर्जी मिला, माहौल गर्माया, बस वो घर में झगड़ा हुआ तो भागा वो पुरुष, और कहाँ गया, गाँव के बाहर तंबू में, तो अब वो महिला अनपेयर्ड हो गया, नहीं हो गया, तो अब अनपेयर्ड हो गया तो इधर उधर वो भटकेगी, तो उस अनपेयर्ड होने की वजह से यानी वहाँ होल क्रिएट हो गया, एक जगह खाली हुआ तो होल क्रिएट हो गया, तो वो होल के वजह से उसमें कंडक्टिविटी है। ये जो तंबू में आ गया वो तो कहीं चलने का पास रास्ता है नहीं, तो तंबू में रुका हुआ है, लेकिन कंडक्टिविटी उसमें चहल पहल किसके वजह से है, होल्स की वजह से, खाली जगह की वजह से नहीं। तो ऐसे सेमीकंडक्टर में ज़्यादातर होल्स क्रिएट हो जाते हैं, समझ गए, यानी होल्स की वजह से ही कनेक्टिविटी होता है। इलेक्ट्रॉन तो बेचारा वो एक्सेप्टर लेवल में आकर के बैठा हुआ है, तंबू में आकर बैठा हुआ है,
तो इसीलिए इसको पीट, चूंकि हमने पहले कहा था होल्स को प्लस चार कैरेक्टर दिया गया है, इसीलिए इसको पीटअप या परिचितार्थमिक कैरेक्टर कहते हैं। कुछ समझ में आया कहानी? हाँ, तो ये बात है, हमारे दिमाग में ये कहानी चलता है। लेकिन हम तुम लोग को सुना दिया, आज नहीं बोला सुनाते हैं कहानी। देखिए पहले तो फिगर बना देता हूँ। फिजिक्स जो है ना वो हमारे जीवन से जुड़ी एक कहानी है। इसमें इस फिजिक्स के कहानी को जब एनालाइज करोगे ना तो तुम अपने जीवन में जो सोचते हो और जो करते हो वो वही चीज करते हो जो फिजिक्स में होता है, क्योंकि तुम भी एक फिजिकल बॉडी हो, तुम जो सोचते हो यहाँ भी होता है। अब अपनी सोच को तुम लिख दो, वही फिजिक्स है। कभी याद करो किसी के घर में खटपट हुआ, पापा बोलेंगे दो हमने रहो घर तो सब। देखिए क्या होता है, इस कहानी को आप अच्छे से समझें। यहां देखिए, आप ये तो पहले प्योर है जिसमें कि वैलेंस बैंड में चार चार इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड एम्प्टी है। अब आप ट्राइवेलेंट एटम डोपिंग करेंगे। पहले तो देखिए जब प्योर होगा तो कैसी स्थिति होगी, देखिए गौर से। यहां सबसे कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन में, प्योर की बात कर रहा हूं अभी, एक दो तीन चार पाँच छः गो है ना, कुछ कम होगा क्योंकि मैंने कहा ना कि जो यहाँ भी जाने वाला था वो इधर यहीं पटक जाएगा। तो ये छः गो है तो मान लो कि चार गो यहाँ दिखाता हूँ, तीन चार, चार गो दिखाया। और मैंने कहा कि आपने ट्राई वैलेंट एटम डोप किया है, ट्राई वैलेंट एटम तो तीन तीन बॉन्ड बनाया और एक तो इसका अनपेयर्ड है, चूँकि इसमें चार था तो अनपेयर्ड क्या किया, एक अपना एनर्जी लेवल यहाँ सेटअप कर लिया इस बैलेंस बैंड के ठीक पास में, और वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आकर के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यानी इसका अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, देख रहे हैं यहाँ है। हर एटम के चलते एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गया, वो सब यहाँ पर है। गौर करिए प्योर में जो जाने वाला भी था इसमें वो नज़दीक देख करके यहीं पर रख जाएगा, यानी इसमें देखिए ना होल्स ज़्यादा है लेकिन कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन की संख्या कम है, समझ रहे हैं ना। अब यहाँ पर क्या हुआ कि थोड़ा भी उसको सुटेबल कंडीशन मिला, यानी माहौल में गर्माहट आया, मैंने अभी जो कहानी में कहा यानी थर्मल एनर्जी प्राप्त किया, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें से जंप करके, इलेक्ट्रॉन सब आसानी से इसमें से जंप करके, अब समझ रहे हैं मैं क्या समझा रहा हूँ, आसानी से जंप करके, इसे मैं ब्लू कलर का इस्तेमाल करता हूँ, आसानी से जंप करके वो यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्टर लेवल में, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से जंप करके यहाँ जाएगा, मतलब ये नीचे वाला से दिखाना चाह रहा हूँ थोड़ा सा, ये जंप करके यहाँ आ गया, ये जंप करके यहाँ आ गया, देख रहे हैं आप, तो इस प्रकार से जंप करके यहाँ आ गया। तो इसमें देखिए इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए कंडक्शन बैंड में और होल्स की संख्या देखिए बैलेंस बैंड में, किसकी संख्या ज़्यादा हो गई, तो ऐसे सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी होल्स की वजह से है। ठीक है, अब यहाँ पर जो खाली जगह है तो ये इलेक्ट्रॉन अगर इस जगह को लेगा तो ये होल्स यहाँ आ जाएगा, होल्स का मूवमेंट होगा, ये होल्स की वजह से मूवमेंट हो रहा है इलेक्ट्रॉन का, बात समझ रहे हैं। अब इस कहानी को मैं जब मैं सुनाया था उस कहानी को गौर करिए, क्या था कहानी का प्योर, कि पहले तो प्योर था, जितना कुछ होल्स और कुछ इलेक्ट्रॉन क्रिएट था, हमने डोप्ड किया तीन तीन एटम करके, तीन तीन वो का पेयरिंग बना दिया। अभी कह रहा है यह फैमिली वाला का गाँव, कहता है कि जो बैचलर सब रह गया वो नहीं रहेगा गांव में, बेचारा जो अनपेयर्ड है जिस वो क्या करेगा, अब सोचेगा कि हम कहाँ जाएंगे गांव छोड़ के, मतलब गांव से निकाल हम कहाँ जाएंगे, तो गांव के बाहर में सीमान पर बना लिया अपना झोपड़ी, यहाँ पर टिक गया। ऐसी स्थिति तो है सामान्य स्थिति, लेकिन जहाँ से फेवरेबल कंडीशन मिला मतलब माहौल गरमाया, थर्मल एनर्जी मिला, तो इलेक्ट्रॉनिक्स में से जंप करके इजीली यहाँ भाग गया, अपना ये घर में झगड़ा हुआ तो यहाँ आ गया, अड्डा जमा लिया, इस प्रकार से होल्स ज़्यादा क्रिएट हो गया, इसके बाद इसमें मूवमेंट होगा तो इसे कंडक्टिविटी हो गई, समझ रहे हैं, अच्छे समझ में आया बात। अब इस बात को लिखते हैं।
तो इफ ट्राइवैलेंट एटम लाइक इंडियम गैलियम एटीसी डोप्ड इन दिस केस डोप्ड एटम सप्लाई इन दिस केस ईच डोप्ड एटम प्रत्येक ईच डोप्ड एटम सप्लाई वन फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू वैलेंस बैंड. एक फ्री इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है किसको? मैं क्या लिख रहा हूँ, क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर गलत लिखा गया. इन दिस केस ईच डोप्ड एटम सप्लाई थ्री फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू वैलेंस बैंड. द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन वैलेंस बट फोर इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड. ऐसे लिखते हैं थ्री इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड गेट पेयर्ड, मतलब जोड़ा बन जाता है विथ द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डोप्ड एटम बट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड. पेन चेंज करना पड़ेगा. अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वैलेंस बैंड क्रिएट अ न्यू एनर्जी लेवल जस्ट बिलो जस्ट अबव द वैलेंस बैंड. सच एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड एक्सेप्टर लेवल. इसको कहते हैं, इस एनर्जी लेवल कहते हैं एक्सेप्टर लेवल. इस ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा सच एनर्जी लेवल्स आर कॉल्ड एक्सेप्टर लेवल. इसे क्या कहते हैं हम? एक्सेप्टर लेवल कहते हैं. ध्यान दीजिएगा, अब क्या होगा जब सुटेबल कंडीशंस मिलेगा. इन सच सेमीकंडक्टर, इस तरह के सेमीकंडक्टर में, इन सच सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन वैलेंस बैंड कैन इजीली एक्वायर थर्मल energy from valence band and migrate to acceptor level. acceptor level क्या होता है? migrate कर जाता है. thus the number of holes इन वैलेंस बैंड बिकम्स मच ग्रेटर देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड. समझ रहे हैं? सच क्रिस्टल्स हैव या सच सेमीकंडक्टर्स हैव कंडक्टिविटी या सच क्रिस्टल्स लिखता हूँ क्रिस्टल्स हैव
कंडक्टिविटी मोस्टली ड्यू टू द मेजोरिटी ऑफ होल्स। साथ ही साथ चूंकि होल के होल को प्लस वाले कैरेक्टर दिया गया है, इसलिए हम इस तरह के सेमी कंडक्टर को पी टाइप सेमी कंडक्टर या पॉजिटिव सेमी कंडक्टर कहते हैं। ऑल्सो होल्स हैव गिवन अ कैरेक्टर ऑफ पॉजिटिव चार्ज एंड हेंस सच क्रिस्टल्स आर कॉल्ड पी टाइप और पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर। इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें इन पी टाइप क्या होगा, नंबर ऑफ होल्स जो है वो बहुत बहुत बड़ा होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से। समझ रहे ना, तो ये हमारा पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। ध्यान दीजिए, रुक जाइए, जैसे हमने एंटा पीटा पढ़ लिया, अब सोचिए एक ही क्रिस्टल होगा, एक ही क्रिस्टल, अब उसी के आधा पोर्शन को पेंटावैलेंट एटम से डोपिंग कर दे, मतलब एंटा बना दे, और दूसरे आधे भाग को ट्रावैलेंट डोपिंग कर दे, मतलब पीटा बना दे, तो बीच का जो बाउंड्री होगा उसे हम पीएन जंक्शन कहते हैं। एक तरफ पी टाइप, एक तरफ एन टाइप, अब बीच के बाउंड्री का, बीच के जंक्शन का हम पी एन जंक्शन कहते हैं। अब सोचो एक तरफ पॉजिटिव टाइप का संख्या बहुत ज़्यादा है, दूसरी तरफ नेगेटिव टाइप की संख्या बहुत ज़्यादा है, बीच में बाउंड्री है, क्या होगा, डिफ्यूज कर जाएगा, कुछ इसमें से उसमें चला जाएगा, कुछ इसमें से उसमें चला जाएगा, वो एक कुछ एक लेयर बनाएगा जिसे डिप्लेशन लेयर कहते हैं, जिसकी चौड़ाई लगभग 100 एंगस्ट्रम के आसपास होती है। समझ रहे हो ना, तो आगे हम कल इस बारे में बात करेंगे, अभी आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ वैलेंस बॉन्ड में ज्यादा के वोल्टेज होता है ना। हाँ हाँ, क्या लिखे हैं, हाँ कंडक्शन में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी संख्या से बैलेंस में होल्स की संख्या बहुत ज्यादा होती है, ये तो लिखा है।